ये है बजाज प्लैटिना 100 सीसी कम्फर्टेक 2024 मॉडल। और भाई मैं इसकी माइलेज टेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ, इस बाइक में कुछ बड़ी और काम की अपडेट आई है जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और आपका फायदा होगा लगभग 8800 रुपये का अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूं, तो इस नई 2024 मॉडल की लगभग ऑन रोड प्राइस है मात्र 73,000 रुपये, मतलब 73,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ जिससे इसकी प्राइस कम हुई, अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो लगभग मिलेगा 81,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का अंतर है। लेकिन अब इसमें कम क्या हुआ है, क्यों कम हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से आप देखेंगे कोई भी कमी नहीं लगेगी, जो हेडलाइट आपको प्लैटिना की आती है वही है, DRL वही है, और ये हेडलाइट वही है, हैलोजन बल्ब वाली, यहाँ पर मडगार्ड भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ पर देखेंगे OBD2 प्लैटिना 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पार्ट रहता है जिसको सेल्फ कहते हैं, वो नहीं है। मतलब कि अब आपको ये प्लैटिना सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट में मिलेगी, आप चाहें तो सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ खरीद सकते हैं, और अगर आपको कम कीमत में चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट में खरीदेंगे। अब इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप HF 100 खरीदते हैं तो HF 100 की कीमत है लगभग 70,000 से कम में, और अगर आप HF Deluxe खरीदते हैं तो लगभग 82,000 की मिलेगी, और अगर आप जैसे Shine 100 खरीदते हैं तो लगभग 76,000 की मिलेगी, लेकिन ये बाइक आपको 73,000 की मिल जाएगी, वो भी मात्र किक स्टार्ट मिलेगी। और अगर आप इनका टॉप मॉडल लेंगे मतलब सेल्फ और किक के साथ, तो वो मिलेगी लगभग 82,000 की, तो ये अंतर है। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ और बड़ी अपडेट हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे मॉडल और डिज़ाइन में कोई परिवर्तन नहीं है, आपको प्लैटिना का पेट्रोल टैंक वही और सब कुछ वही मिल रहा है, कम्फर्टेक 100 CC यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कम्फर्ट के लिए क्या क्या इसमें मिलता है ये आप देख लें। सबसे पहले तो आप देखेंगे कम्फर्टेक इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने इनका जो पिछला सस्पेंशन है SNS है, मतलब डबल स्प्रिंग के साथ आता है जिससे पीछे बैठने वाले को झटके ना लगें। यहाँ पर आप देखेंगे चौड़ी सी इसमें आपको ये फुटरेस्ट मिलती है जिससे प्लेन के जो पैर हैं वो सही तरीके से इस पर पड़ पाएँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 110 mm की ड्रम ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है, 317 का आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है क्योंकि इतनी कम कीमत में आप ट्यूबलेस टायर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूब वाला टायर इसमें आपको मिल रहा है, और मैं देखता हूँ कि कहीं ट्यूब लिखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा नहीं हुआ है, ये ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाला टायर है भाई। और इसके अलावा अगर आप पीछे के डिज़ाइन को देखेंगे तो भाई रेगुलर वही डिज़ाइन है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं, कुछ भी कर लो टूटेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, बैकलाइट वही है, कहीं कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें किक स्टार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइबर की चेन कवर इसमें आपको मिलती है, ये फाइबर की चेन कवर मिलती है भाई, और यहाँ पर से आप चेन के ऑयल को या चेन को चेक कर सकते हैं, इस वाली रबड़ को निकाल के आपको ऐसे लगाना है इसको यहाँ से ऐसे। पीछे अगर आप देखेंगे 317 का मैंने आपको टायर दिखाया है, लेकिन फ़िलहाल एक दिखा देता हूँ, 317 का इसमें आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है, और यहाँ पर इसमें ये लगा हुआ है सेंसर, ये साइड स्टैंड का सेंसर है, और आप गियर लीवर का सिस्टम देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 गियर इसमें आपको मिलते हैं। और ये देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ ये बाइक आती है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक चोक इसमें है, मैनुअल चोक नहीं है, ये ऑटोमेटिक चोक है। यहाँ पर पेट्रोल टी दी हुई है, आप यहाँ से पेट्रोल को बंद करेंगे, फिर यहाँ से आप रिजर्व को करेंगे, नीचे को करेंगे तो ये ऑन में हो जाएगी, तो इससे क्या होता है कि आप इसमें 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का जितना चाहें उतना पेट्रोल भरवा सकते हैं, ये इसमें अच्छी बात दी गई है। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, और ये कैटेलिटिक कन्वर्टर इस बाइक में लगाया हुआ है, और ये सिंगल प्लग के साथ आती है, ये आप अच्छी बात समझ लें। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिलती है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलती है, इसका मतलब हुआ कि दो वायर आई हुई हैं, दोनों ब्रेक एक साथ मिलके लगेंगी। और अगर आप आगे का टायर देखेंगे तो भाई वे ब्लेज टायर हैं, 2/75/17 का इसमें ट्यूब वाला टायर मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है भाई। अब इसके अलावा जैसे आप मीटर में देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि मैं आपको E20 वाली बाइक दिखा रहा हूँ, ये आप अच्छी बात समझ लें। यहाँ पर आप देखेंगे ये है चाबी प्लैटिना 100 CC की, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर स्विच वही पहले वाली आ रही है, हाई बीम लो बीम की, पास की बटन, इंडिकेटर की, हॉर्न की बटन मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जैसे आपकी DRL को ऑन करने के लिए इसमें लाइट दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल की चेक इंजन लाइट इसमें जल रही है, यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है, और ये लाइट आप फ्रंट से दिखाओ राहुल भाई,
कि यहाँ पर इसमें हेडलाइट ऑन हो चुकी है तो खड़ी गाड़ी पे भी लाइट जल जाती है, ये अच्छी बात है। और जब आप लाइट बंद करके रखेंगे तो ये DRL ऑन रहेगी, तो ये सबसे अच्छी सुविधा इसमें दी गई है। अब अगर मीटर की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एनालॉग मीटर ही मिलता है, क्योंकि जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर ये क्रोम फिनिश इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिल रहा है, चेक इंजन लाइट, यहाँ पर इंडिकेटर का आपको मिल रहा है, तो ये सुविधाएं आपको इसमें मिल रही हैं। इंडिकेटर ऑन करने पर ऐसे जलेंगे, तो ये है। अब अगर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें, इधर से आकर दिखाओ भाई ज़रा, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिल वाला इंजन मिलता है। और इंजन आप देख लें, इंजन में DTSI टेक्नोलॉजी नहीं है और ये सबसे कम कीमत में इन्होंने निकाली है। और ये इंजन ऑयल यहाँ से आप लेबल को चेक कर सकते हैं। और अगर इंजन की बात करें भाई, तो 102 सीसी का इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। 7.9 HP की पावर मिलती है 7500 RPM पर, 8.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 5500 RPM पर। 4 गियर इस बाइक में है और सबसे अच्छी बात है कि इसका 47 mm बोर है और 58.8 mm स्ट्रोक है, मतलब अंडर स्क्वायर इंजन इस बाइक में लगाया गया है। 4 गियर इसमें आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाला इंजन मिलता है। अब 0 से 60 पहुँचने में मात्र 9 सेकेंड ये बाइक लगाती है। और अगर हम बात करें भाई इसके जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की, दिखाना ज़रा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत भयानक है और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 200 mm है भाई, जो कि सबसे अच्छी बात है कि मतलब आप किसी भी रास्ते पर चलाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और 117 किलोग्राम सेल्फ वाली बाइक का, दिखाना ज़रा, 117 किलोग्राम सेल्फ वाली बाइक का वजन है और इसकी सीट हाइट है 807 mm। मैं बैठ कर आपको दिखाता हूँ, 807 mm इसकी सीट हाइट है और मेरे पैर एकदम सही पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है एकदम। और सिटिंग पोजीशन भी इसका सही है। और 117 किलोग्राम जो सेल्फ वाली बाइक है उसका वज़न है, तो इसका लगभग 115 किलोग्राम इसका वज़न होगा। और 115 किलोग्राम के साथ साथ ये बाइक माइलेज दे जाती है क्योंकि, और चलने में हल्की भी महसूस नहीं होती है। अब अगर सबसे काम की बात इसके माइलेज की बात करें, तो ये एक माइलेज मशीन है। और माइलेज मशीन के साथ साथ अगर इसकी माइलेज की बात करें, तो मैंने एक टेस्ट किया था कानपुर से लखनऊ में, उस समय मैंने सिर्फ 40 की स्पीड में इस बाइक को चलाया था, तो ये 1 लीटर में चली थी, लगभग 90-95 किलोमीटर चली थी। और अगर आप इसको चलाएंगे रेगुलर लाइफ में, सही चलाते हैं, तो 70 प्लस माइलेज देगी। जैसा आप चलाएंगे, जितना ट्रैफिक में चलाएंगे, जितना पेट्रोल भरवाएंगे, उस हिसाब से इसकी माइलेज मिल जाएगी। तो माइलेज मशीन इसको बोला जाता है क्योंकि ये प्लैटिना जो है सबसे ज़्यादा माइलेज के लिए मशहूर बाइक मानी जाती है। अब यहाँ पर प्राइस मैंने आपको बता दी, जैसे 73,000 रुपये में मेरे हिसाब से सबको सही है। स्टार्ट करके मैंने आपको नहीं दिखाया है, किक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जैसे इसको डबल स्टैंड पर खड़ी कर देता हूँ और साइड स्टैंड बंद कर लेता हूँ। भाई साउंड एक बार और स्टार्ट करके दिखाता हूं बिना एक्सेलरेट किए। तो स्टार्टिंग सही है, स्टार्टिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह बाइक कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।